भाई इसको प्यार हो गया भाई, ने पूरे रास्ते से बात करी है। गोभी आप अपने पेट को सलाए ना तो ज्यादा। बाकी 3 लाख लोगों को भी दिखा रहा। फर्स्ट डू अ कॉमेडी शो फॉर मी, ओके? दोस्तों मैं बोलना तो नहीं चाहता, खाना खाते आदमी को टोकना भी नहीं चाहता, पर जिस हिसाब से जा रहा है ये मेरे पक्का खोएंगे श्रेया। आप प्लीज इसे डब्बे में डाल के रखा करो, ये पक्का खोदोगे आप, मुझे पता है आपका। केड़ा कनॉइजर? म्यूजिक कनॉइजर। स्पेलिंग बताना, स्पेलिंग बताओ कनॉइजर की। CONOISSEUR। अब मैं चेक करता हूँ इंटरनेट पे, फिर मैं बताता हूँ। हम वो हरकतें कर रहे हैं जो 21 साल के लड़के करते हैं। अभी कितना बज रहा है टाइम, देखो कितना है पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली, यार देखता हूँ 2:30 बज रहा है और 12:30 बजे प्लान बना है कि ऋषिकेश निकल लेते हैं एक दोस्त से मिलने के लिए। साथ में खट्टर है, खट्टर ने मेरे चुलमचाई कि भाई चल ऋषिकेश चल ले चल। खट्टर एक तो नाक से बोलता ना, माइंड चल रहे ऋषिकेश मज़ा आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो रखा है, अभी चल रहे गाड़ी में जाएंगे, बिल्कुल कहीं बैठेंगे बैठेंगे नहीं, सीधे दोस्त के घर जाएंगे। तो अभी प्लान ये है कि ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं, बहुत जल्दी प्लान बना। पहले तो मैं और खट्टर हम दोस्त ही जा रहे थे, फिर श्रेया ने कहा मैं भी चलूंगी, तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, आई नेवर माइंड इट, आई मीन इट्स गुड दैट यू आल्सो जॉइनिंग अस। और मैं बोलना चाहती मैंने अभी अभी तो ये सब साफ किया था कचरा, हैं अभी अभी तो मैंने अनपैक किया था वापस, तो इतना कोई पैकिंग नहीं है, 2 दिन का छोटा ट्रिप मारने जा रहे हैं। एनीवेज लेट्स गो, एवरीबॉडी इज गोइंग। दोस्तों यार का प्लान था पहले तो। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कहां, ये हमारा सडन प्लान बना ऋषिकेश का। खटर से हाय खटर, फर्स्ट टाइम पीपल आर सीइंग योर फेस, अदरवाइज यू कीप हाइडिंग योर फेस फ्रॉम एवरीबॉडी। आपको बोल नहीं रहा वरना मेरा मुंह क्या, मेरे को मछली और मजा भी आता है साले को। सो गाइस वी आर गोइंग टू ऋषिकेश दिस वीकेंड। तो कुछ बोल और उसकी आवाज का एग्जैजरेशन बताता हूं मैं, कुछ बोलना। दोस्तों इसका कंपनी है एक ही गाय ट्रैवल जीनी। नो बोलते अपने दोस्तों का तो प्रमोट करते रहते, हमारी दुकान तो प्रमोट नहीं करते। बता दे रहे हो क्या, उधर देखा वाला व्लॉग, मैं नोनो कह रहा दुकान प्रमोट करो, मैं कहा मेरे से ये सब मत बोला कर, कह रहे अपने दोस्तों को तो कर देते हो बिना बोले, वो खट्टर भैया का डालते रहते हो। मैंने कहा उसका तो काम है ना वो वाला पापा वाली। या क्या सही रोड लग रहा है सब, क्या चला रहा है। अरे भाई ये भाई सौदागर लोग जो घूमते हैं ना सड़क के ऊपर, घोस्ट राइडर्स, इनसे बच के चलना पड़ता है। हम ऑलमोस्ट क्या हरिद्वार में है, ऋषिकेश पहुंचने वाले थोड़ी देर में, और हमारे साथ एक आशिक ट्रैवल कर रहा है पीछे। प्यार में बोराया एक आशिक, और रास्ते में ऐसे ऐसे गाने चले हैं, हमने अभी गाना बंद करा है, तोड़ दाए दिल, जिसमें गाना है एमी वर्ग जी का मैनू धोखे दा स्वाद अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, और कौन सा मैनू दूजी बारी प्यार होया सुनया, दूजी बार भी होया तेरे नाल, और कौन सा श्रेया और कौन से लगाए गाने। अरे भैया पका दिया ऐसे एकदम आशिक नहीं होता, करारे आशिक मेरा। हम सुन रहे हैं वासेपुर के गाने, तेरी कह के लूंगा, और यहाँ पे जैसे ही फोन आया फूल एकदम मुशी मुशी पंजाबी गाने नहीं होते। पिकनिक तो पिकनिक इतना भी सही नहीं आ रहा है, जितना आपको लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, पर भाई पूरे आशिक ट्रैवल चल रहा है आज तो। 42 मिनट दिखा रहा है नयाल का घर, उसके घर पहुंचेंगे अभी। भाई ये देखो गन्ने कैसे चल रहे हैं श्रेया, तो ये देखो भाई कितना गन्ना खा रहा है ये देश, कितना गन्ना उगा रहा है, चीनी खा रहा है ना आगे, एक्चुअली चीनी वीनी की मिल होगी ना। इसकी पड़ोसी थोड़ी वैसी नाराज रहती है कि शोर मचाता है, पर आज तो असली में शोर मचने वाला है। बहुत सही घर आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। बैचलर भी ऐसे रहते हैं, कोई देख रही है लड़की अगर शादी ब्याह के लिए ऋषिकेश में शिफ्ट होने के लिए तो आप बताना, बिल्कुल हम बात करेंगे। ब्लॉग के बाद भी अपना घर है अपना, तो ये एंटर करते ये अच्छा आकाश के आया, उन्हें पहले सिमिलर घर था पर दूसरा था ये संडास, अच्छा सुंदर देखिए बढ़िया, साथ में ऐसे ये वाला डिवाइडिंग तो हमारे यहाँ भी नहीं है। एनीवेज इसके बाद ये फ्रंट में एक रूम ऐसे बार कम किचन ओपन बना हुआ है, ये बढ़िया सा बेडरूम। काफी दिन बाद मैंने देखा है कोई गोभी, आप अपने पेट को सलाए ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लॉग एस्थेटिक्स बढ़ेंगे। वैसे पहली बार मैंने देखा है कि गूगल में ना देख के लोग एक्चुअल मैप में देख के अपने ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, और ये बाहर आएंगे तो वाओ यार भाई ये है, ये देखिए बालकनी सुंदर सी, और सामने हमें एक आध हॉस्टल वोस्टल दिखते हुए, अच्छा है ना छत तो, और सेक्सी है देखो पहाड़ है ना उस साइड, सवेरे दिखेगा और बढ़िया। तो ये देखो शादीशुदा होने के असली फायदे आपको आज पता चलेंगे। वैसे घर इस जिस बंदे का घर है वो आज खुद बाहर सोने वाला है इस वाले बेड पे, और अंदर एक कपल होने के हेतु हम लोगों को बाहर नहीं सुलाया जाएगा, और हमारे लिए तो अच्छा रूम है। अगर कोई आशिक और बैचलर इधर सोएंगे, अगर कोई कुंवारी कन्या है जिसको उस बेडरूम में इंटरेस्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत तो संपर्क कीजिए हमारे दोस्तों को। वैसे कटरा घर ही बहुत अच्छा है, आंटी
आंटी ने बड़ी उम्मीदों से कमरे में पेंट कराया था 3 साल पहले कि बहू आएगी, अब पेंट पुराना हो गया है, बहू नहीं आई है, बहू कहीं और चली गई है, बहू हाँ बहू कहीं और चली गई। तो मैंने भाई क्या कर रहा है, बोर रो वगैरह, इन्हें कहा क्या करना है, छुट्टी है, चलना है कहीं, मैं चले नियाल क्या, ये मेरी आवाज है, हाँ इसकी आवाज तो ऐसी है, इन्हें कहा चले नियाल क्या, मैं कहा चल भाई मान गया, अजय से पूछो, अजय ने बोली थी श्रेया, मैंने श्रेया बोला मैं भी जा रहा हूँ, कह रही मैं भी चलूंगी, तो हमने तीनों ने प्लान बनाया और उठ करके लगा लो दोस्तों, रात को 10 बजे यहाँ पे बंदे तैयार सीन से। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उड़ीसा में गया था तो मेरे कजन ने पहली बार इतना टाइम स्पेंड किया इसके साथ, तो ये ऐसे चलते चलते भी दोस्तों हाथ में फोन हो या नहीं हो, दोस्तों दोस्तों करता रहता है। सो ही हैज लिटरली गॉन मैड। श्रेया की मम्मी ने लड्डू भेजे जो कि मैं यहाँ लाया हूँ अभी, और अभी मुझे पता चला है जच्चा बच्चा वाले लड्डू है, जच्चा बच्चा पे खिलाते, जच्चा बच्चा माने जब हो रहा होता है ना वो ना, बताओ श्रेया की मम्मी यार आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो श्रेया, खुशी में इतना विलीन हो गए भाई अपने नयाल भाई, श्रेया का बैग ही पिछले 1 घंटे से घर के बाहर छोड़ दिया, सारा बाहर ही छोड़ दिया, जल गए नहीं, पानी नहीं डाला उसने, सिर्फ अंडे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन थी और अंडे पड़े हुए थे बस, जल गए क्या, अंडे कौन से जलते, अंडे जलते हैं कभी, अच्छा दुआ की स्टोरी नहीं देखी थी, अवन के ऊपर आ गया तो पूरे अंडे बॉईल हो गए थे, अच्छा लो इतने बढ़िया माहौल में इतने बढ़िया कैफे में आकर के ये सब लोग अपने फोन पे लगे, दिस इज द यूथ ऑफ इंडिया, आई एम द यूथ ऑफ इंडिया, ओह यू आर सेमी यूथ, सेमी यूथ ऑफ इंडिया, तो ये अपना बिस्तर निर्वाण है इधर जो ऋषिकेश आज को पता ही होगा, और नहीं पता तो मामा जी का ये कहां है, मामा मामा जी भी सो रहे हैं, उनको सुबह से परेशान करने आ गए, यही सोते यही रहते हैं, इनका घर है पूरा साम्राज्य है पीछे मस्त, इधर का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है। दोस्तों कल अंबानी ने स्टोरी देखी मेरी ऑन द वे रोड ट्रिपिंग, खट्टर ने डाली थी, अंबानी का रात को मैसेज आया कहाँ है, मैंने कहा ऋषिकेश, अगला मैसेज मुझे भी ले चलता, मैंने कहा कोई बात नहीं अगली बार, कह रहा कल सुबह आ जाऊं, मैंने कहा देख ले भाई, वो पहुंच गया, पहुंच गए भाई सुबह आके बता रहा, कह रहा हम आ गए भाई, हम पहुंच गए, ये होती है जिंदगी, लाइफ लाइफ ऑफ अंबानी, और यहाँ आराम से बीच पे बैठ के व्यू ले रहा था, मैंने कहा है, कह रहा है नीम बीचू पूरा व्यू एंजॉय कर रहा हूँ मैं, पीछे गाड़ी में आ रहा दिखाई हल्की थी, ऐसे गाड़ी दिखा दे पीछे नीचे ये नहीं, जब से हम आए तब से बारिश ही हो रही है, ऐसे जिंक्स हो रहा नहीं, अच्छा लग रहा है बारिश, आप लोग अच्छी ऐसी लगती बारिश यार, अरे कुछ दिखता ही नहीं है, सब हो जाता है, बर्फ की तलाश में, और नया कह रहा है ऋषिकेश 60 किलोमीटर पर बर्फ मिलेगी, तो लेट्स सी इफ वी कैन गेट बर्फ ओवर देयर, आर यू श्योर, कहां है, हम हाइक पे चले जाएंगे अगर बर्फ नहीं मिलेगी, जिस पर्पस से हम लोग पहाड़ों में आए थे वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, फ्लोरा फौना देखने के लिए, फाइनली हमें फ्लोरा फौना दिख चुका है, सामने देखिए बर्फ, क्या है ये, फ्लोरा है फौना है, फौना सामना जा रहा, और साइड में लेफ्ट में फ्लोरा भी है, तो आई थिंक इट इज अ गुड सफारी फॉर अस एंड वी आर एंजॉयिंग द वाइल्ड लाइफ, ब्लो हॉर्न टू द वाइल्ड लाइफ, नो कौन मैं तो निकल पड़ा भैंस की ढूंढ देखने, वाह क्या नजारा है पहाड़ों पे, वाह सुनो तुम्हारा काम ना सिर्फ उड़ना है, हाँ उड़ना उड़ाओ जरा गाड़ी, जब ब्रेक नहीं लगेगी ना तो आप ही रोक दोगे खुद, आसमान कितना ऊंचा है इसकी परवाह तुम मत करो, आपको लग रहा होगा गौरव कपूर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लोगों की मदद करता है, लेकिन अभी एक टायर पंचर देखने के बाद उसने गाड़ी रोकी है, ये बोलती है कि मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, और देखो पीछे जाके देखो क्या कर, ऐसा कुछ नहीं है साढ़े दोस्तों, गाड़ी अभी हमने भैया की चल रही है, बन जाएगी होपफुली सही, जल्दी ही सही हो जाए, पर मैं आपको एक अपने मन की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मन की बात कुल मिला गया, भैया ने कहा भैया बस 1 मिनट के लिए जैक पाना चाहिए, दे दो जैक, जैक भी नहीं उनको, वो पेज चाहिए था, भैया ने कुछ नहीं किया कुछ, भैया नहीं नहीं भैया ने बोला कि वो दे दो 2 मिनट के लिए चाहिए था, दोस्तों हमें यहाँ खड़े खड़े कम से कम 20-25 मिनट हो गए, पहले भैया ने वो लिया, फिर उनकी एक्चुअली नई गाड़ी स्टार्ट हुई, उनका जैक भी ख़राब हो गया, फिर उन्होंने जैक लिया, अब नयाल खड़े होकर जैक लगवा भी रहा है, अब हमारा आधा घंटा यहीं चला गया, तो मुझे लग रहा है वही लोग ठीक होते जो दूसरों की मदद नहीं करते, हम अभी तक अपनी जगह पे पहुंचे पड़े होते, नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छा भी लग रहा है हमने भैया की हेल्प करी, और व्लॉग के लिए नहीं करी यार, ऐसे ही करी, हम तो जेन्युइनली खड़े हुए थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि
लेट हो जा रहे हैं ना, 20 मिनट तक की हेल्प ठीक है शायद, क्या कहते हो श्रेय? नहीं 20, और बारिश और हो रही है ऊपर से, पूरी भसड़ मची पड़ी ना, तो तुम अपने आप को और मैं तो निकल पड़ा कहां ग्रीन टी पीने। सुनो तुम्हारा काम ना सिर्फ उड़ रहा है। आसमान कितना बड़ा है इसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस उड़ो। हाँ, और रास्ते में कोई गाड़ी मिले पंचर तो उसको साथ दो। हम लोग निकले थे उधर जाने के लिए, कहाँ पे, धनौल्टी जाने के लिए, और बीच में ये वाली टॉफी मिली है, पुराने जमाने वाली बेबी गांडी। बेबी गांडी बोलते तुम्हारे, हम तो मछली वाली टॉफी बोलते थे। बेबी गांडी एंड सॉफ्ट। और नयाल गाड़ी चला रहे हैं, मैं साइड में बैठ के मॉनिटर स्पीड मॉनिटर कर रहा हूँ, पर जबरदस्त मॉल। पर हम बीच में ही रुक गए यार, हम सुस्ती मर गई, अभी हमें 2-2.5 घंटे और चलाना पड़ता धनौल्टी के लिए, फिर हमने कहा वापस ले लेते हैं। इसका बिल्कुल मन नहीं है वापस जाने का, किलस किलसा पड़ा है एकदम। ये साला व्लॉग के लिए फोटो ले, फोटो फोटो ब्लॉग के लिए एक फोटो हो जाए। कुछ नहीं बस एक सिनेमैटिक शॉट। भैया ठंड में कहीं निकलने का मन नहीं करता है। इतने साउंड प्रूफिंग वाला कितना सही से करी है, अच्छे देखो चादर लगा दी है। शर्म भी नहीं आ रही दोस्तों के यहाँ के, उनका वार्डरोब खोल के एकदम बेचारे की पर्सनल स्पेस में घुस के खुद तो देख ही रहा है, बाकी 3 लाख लोगों को भी दिखा रहा है। शर्म नहीं आ रही, 1,20,000 क्या 1,20,000 सब्सक्राइबर्स तो 3 लाख है ना, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे 3 लाख लोग। Come to, I'm RJ number 1 of Delhi. कैसे ये हुडी का क्या स्टाइल है समझाओ जरा। ये स्टाइल है सलमा स्टाइल जी ने, ये स्टाइल है चुनिंदा बागानों की पत्तियां छानने वाला स्टाइल। क्या बोल रहे हैं? सोच रहा हूँ चले लेता हूँ अकेले ना, खट्टर के साथ क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा। बहुत बोर करेगा। वैसे अच्छा इंसान है पर अकेले थोड़ा बोरिंग है। लड़कियों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। हाँ चुप रहता है ना। पूरे टाइम ही चुप रहता है तो नया चल नहीं रहा, उसका भी ऑफिस है। जो भी आजकल रील्स पे बहुत चल रहे हैं ना, अब चल रहे हैं गाना। हाँ, oh my god, I used it around a year ago. You used it? Yeah. Where? तब अच्छा क्या है ना? ओ पता नहीं मुझे कहाँ का है। तो आ गए हैं वापस। Zoom show के दिन। Zoom show के दिन। First do a comedy show for me, okay? Make me laugh first. नहीं तो पीछे में मैं हल्ला करती हूँ। नाभी चुपा देता हूँ। हाँ? नाभी। Okay done. Okay guys that was the end of today's vlog. I hope you liked it. If you liked it, then subscribe to the channel. Guys I have a question. ये कोरियन सॉसेस गोचुजांग और ये सब कहाँ मिलता है, अगर किसी को पता है दिल्ली एनसीआर में तो प्लीज मुझे, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी कर दे प्लीज मुझे बता दीजिए। थैंक यू। ओके गाइस इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर, बाय, सी यू इन अनदर व्लॉग वेरी सून।